सो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है सॉइल इरोजन काजेस इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल, तो लास्ट टाइम हमने सॉइल इरोजन क्या होते हैं, इसके टाइप्स और इसके काजेस डिस्कस कर रहे थे। तो काजेस में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दैट वाज लैंड यूज़, ठीक है। सेकंड काजेस एरेबल कल्टीवेशन एंड थर्ड वन इज दी ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, तो इसको मैं थोड़ा सा ये वाले पोर्शन को फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि ओवर ग्रेजिंग्स नॉर्मली वहाँ पर जहाँ ख़ासतौर पर डेवलपिंग नेशंस के अंदर या वहाँ जहाँ ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, वहाँ जो ग्रेजिंग्स पे ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं तो ज़मीन ज़्यादा बैरन हो जाते हैं। बैरन लैंड जो है ये फ्रिक्वेंटली विंड एंड वाटर क्या करते हैं, इरोड कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी फिनामिना, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी जिसके द्वारा सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन हो जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं। इज बिकॉज ऑफ थ्री इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। वन इज़ द रूट सिस्टम, जो कि फॉरेस्ट की वजह से रूट सिस्टम्स जो है सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, न सिर्फ सॉइल को बाइंड करते हैं बल्कि रूट्स जो है वाटर रेनी सीजन में वाटर को डीप लेयर में, ज़मीन के नीचे डीप लेयर में सीपेज करने में मदद भी करते हैं, चैनलाइज करते हैं वाटर को और सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं। दूसरा जो कैनोपी है, कैनोपी जो है वो रेन इम्पैक्ट को कम करते हैं बाय इंटरसेप्टिंग, क्योंकि रेन स्प्लैशेस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर डिटेचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, राइट, ठीक है। कैनोपी जो है रेन को इंटरसेप्ट करते हैं। थर्ड जो ऑर्गेनिक कवर्स या ऑर्गेनिक मैटर्स का जो कवर वहाँ प्रोटेक्टिंग कवर जो बन जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक मैटर्स सिर्फ आपके सॉइल को प्रोटेक्शन ही नहीं देते बल्कि उसको इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने में भी मदद करते हैं, राइट। फोर्थ हमारे पास इम्पोर्टेंट काज है दैट इज समटाइम्स यानी फॉरेस्ट्री इटसेल्फ, यानी समटाइम्स सर्टेन फॉरेस्ट्री जो है वो इनकरेज करते हैं इस सॉइल इरोजन को, लाइक दी नीडल लीफ प्लांटेशन जो कुछ ख़ास जगहों में से, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में ये प्लांटेशंस ख़ास तौर पर कमर्शियल पर्पस के लिए इसके प्लांटेशंस किया जाते हैं, जो ज़रूरी नहीं है यानी आपके सॉइल को सूट करता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो सॉइल को ज़्यादा या ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं या वो उस सॉइल की स्ट्रक्चर को भी या उसकी टेक्सचर को भी तब्दील कर जाते हैं। तो इस तरह की फॉरेस्ट्री जो है वो आपकी सॉइल को ज़्यादा प्रोन बना देते हैं इरोजन के लिए। उसके अलावा इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट काज है वो है मोनोकल्चर एक कॉमन प्रैक्टिस है आज के दौर में, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर के अंदर। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें हम एक ही किस्म के क्रॉप्स को किसी पर्टिकुलर लैंड पे ईयर टू ईयर ग्रो कर किया जाते हैं, ठीक है। तो ये मोनोकल्चर जो है वो यानी एक खास क्रॉप स्पेसिफिक फील्ड पे ग्रो करने की वजह से वो सॉइल की एक तो फर्टिलिटी को कम कर जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम होते हैं। सेकंड जब ये कल्चर की हार्वेस्टिंग सीज़न होते हैं तो आपका लैंड जो है वो ज़्यादा समय तक एक्सपोज रहते हैं टू द एयर एंड वाटर, ठीक है। तो उसके अलावा इसके बरअक्स जो मिक्स्ड कल्चर होते हैं वो क्या कर जाते हैं कि आपके जैसे क्रॉप जो है जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग सीजन होते हैं
तो दूसरे जो प्रॉब्लम वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो इस सेल को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो है सोशो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल सेटअप, यानी आपकी आज के दौर में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे यानी पॉपुलेशन की यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। से फॉर एग्जांपल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ जो एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड को और से ज़्यादा बढ़ा जाता है, जिस वजह से आपकी स्कीड लैंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन, पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स और यू हैव द फॉरेन पॉलिसीज, दीज आर द सम एक्टिविटीज दैट कॉजेस मोर डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड एंड इरोजन ऑफ द सॉइल, राइट। इसके अलावा जो मॉडर्न खासतौर पर अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर टू अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जिसके अंदर जो है ऑन साइट क्लीयरेंस ऑफ द सॉइल या दी वेरियस फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन। तो बहुत सारे अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए या और कंस्ट्रक्शन पर्पजेज के लिए, चाहे वो रोड बनाने हो या बिल्डिंग्स बनानी हो, कम्प्लेक्सेस बनानी हो, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो वेजिटेशन कवर है दे हैव टू रिमूव एंड द साइट हैव टू क्लियर फ्रॉम द वेजिटेशन, सो द सॉइल विल गेट मोर एक्सपोज। Even these various construction activities dump the various waste products on the soil. That also leads to the compaction of the soil and results in the more erosion of the soil. Iske alawa important, very important cause hai, recreational activities. Recreational activities. Recreational activities, that means the tourism itself, when we properly do not manage the land, that time the walking and skiing may cause the compaction of the soil and the soil get turns barren. जब soil compact हो जाते, देखिए जब किसी जगह पर आपको चलना डोलना रहते हैं तो वो सॉइल क्या हो जाते हैं, वो कम्पैक्ट हो जाते हैं। कम्पैक्ट होने का मतलब क्या है कि सॉइल के अंदर, जैसे हमने ये बताया कि कुछ ख़ास स्पेसेस या पोर्स का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होते हैं, जब ये कम्पैक्ट हो जाते हैं तो वाटर जो है वो फर्दर पेनिट्रेट अंदर नहीं हो पाते हैं।
जमीन के नीचे परक्लेट या सीपेज नहीं होने की वजह से वाटर का रनऑफ जो है वो बढ़ जाते हैं, ऊपर के हिस्से पे वाटर रनऑफ तेज होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से जब रनऑफ ज़्यादा होंगे जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल जो है यहाँ से इरोड हो सकते हैं. सो दीज वर द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन. नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इम्पैक्ट्स, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सॉइल इरोजन के इम्पैक्ट्स दो तरह से हो सकते हैं. एक ऑन साइट इम्पैक्ट होंगे इसका, ऑन साइट इम्पैक्ट, और दूसरा ऑफ साइट इम्पैक्ट. ऑफ साइट इम्पैक्ट, ऑन साइट इम्पैक्ट एंड ऑफ साइट इम्पैक्ट. तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑन साइट इम्पैक्ट. ऑन साइट इम्पैक्ट यानी वो जो जिस सॉइल की इरोजन होने की वजह से जिस जमीन पे ये इसका इस इरोजन का इम्पैक्ट होगा. जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि आपकी सॉइल के अंदर जो कुछ खास इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो वहाँ पर प्रेजेंट ना होना. ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी अभी अब डिस्कस किया है कि सॉइल एक तो ये कोई डैड चीज़ नहीं होता, ये एक वेल डेवलपिंग एंटिटी होते हैं, समय के साथ इसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं. सेकेंड थिंग, सॉइल के अंदर सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स नहीं होता, यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होते हैं, और ये सॉइल पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के भी होना ज़रूरी, इसके साइज भी मैटर करते हैं. यू नो हमारे पास बेस्ड ऑन दिस सॉइल पार्टिकल साइज वी हैव डिफरेंट names, that is clay, silt, fine sand and coarse sand. है ना, coarse sand. ये कुछ खास साइज के पार्टिकल्स हैं जो सॉइल की टेक्स्चर को बनाने में मदद करते हैं, सॉइल की टेक्स्चर को बनाने में मदद करते हैं. तो अगर सॉइल इरोजन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ खास खासतौर पर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं लाइक दिस क्ले एंड सिल्ट, ये वहाँ से रिमूव किया जाते हैं सॉइल इरोजन के द्वारा. तो ये क्ले का यहाँ पर ना होना दैट मीन्स सॉइल विल चेंज इट इज एंटिटी. दैट मीन्स सॉइल की एक तो टेक्सचर तब्दील हो जाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर्स भी यानी अल्टर होंगे, सॉइल स्ट्रक्चर्स खराब हो जाएंगे, अल्टर होंगे, और इवन इसके अंदर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट यानी फैक्टर्स होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए. ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट भी बहुत कम हो जाता है सॉइल इरोजन की वजह से. ठीक है, इवन पोरोसिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉइल की, वो भी अल्टर हो जाते हैं, उसमें भी तब्दीली आना शुरू हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ इस तरह से जाते हैं इरोजन से जो इसकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, जिस पे फर्टिलिटी पे इसका असर हो जाते हैं. दैट मीन्स अगर सॉइल इरोजन इंटेंस वहाँ होना शुरू हो जाते हैं तो एक प्रोडक्टिव सॉइल जो है वो नॉन प्रोडक्टिव या इनफर्टाइल सॉइल में तब्दील हो जाते हैं. So this is what you have the on-site impact of soil erosion. ठीक है, soil erosion से जो ज़मीन की actual जो productivity है वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं because of the various changes occurs in this soil because of this soil erosion. On off-site इसके जो impact है वो ये है कि जैसे हम देख रहे हैं soil erosion जब हो जाते हैं तो आपकी streams के द्वारा या rivers के द्वारा बहुत ज़्यादा इरोडेड मटेरियल जो है आगे लेके आ जाते हैं, और जब ये प्लेन एरियाज में इसका या कुछ जहाँ पर थोड़ी सी यानी बहाव कम होते हैं, वाटर के बहाव कम हो जाते हैं रिवर्स के अंदर स्ट्रीम्स के अंदर, तो ये जमा होना शुरू हो जाते हैं. इस वजह से जो वाटर चैनल्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं. वाटर चैनल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेट हो जाते हैं, और जो जहाँ आपके रिजर्वाइज होते हैं, रिजर्वाइज यानी बहुत सारे आज के दौर में आप देखेंगे डैम्स बनाते हैं फॉर द मल्टीपर्पजेस लाइक द इरिगेशन और द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये डैम्स में ह्यूज अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जाते हैं. लेकिन ये इस तरह की सॉइल इरोजन जो है इस डैम की लाइफ को बहुत शॉर्ट बना सकते हैं,
बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी जो इरोडेड मटेरियल है वो पानी लेके इस डैम में आ जाते हैं तो वहाँ इसका जमाव हो जाते हैं, जिस वजह से इस डैम का लाइफ भी शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ये डस्ट विंड लेके आ जाते हैं, जब एक यानी एक सैंडी एरिया से या एक बैरन एरिया से सॉइल अपने साथ मिट्टी जो है अपने साथ इरोड करके लेके आ जाते हैं, तो दूसरी जगह जहाँ पर अच्छा खासा वेजिटेशन होते हैं वहाँ ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। वो डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो इसी मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, दबने की वजह से भी वो पूरी ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ ऑफ साइड इम्पैक्ट्स भी होते हैं। इवन इसके जो ह्यूज डस्ट जब जनरेट होते हैं तो वो क्लाइमेट पे भी असर पड़ते हैं, क्लाइमेट पे भी इसका बुरा असर पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ ज़्यादा डस्ट यानी हवा में चला जाते हैं वहाँ जो है जो रेन या वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, वो डस्ट एब्जॉर्ब कर जाते हैं। डस्ट उन वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता या रेन प्रेसिपिटेशन बहुत स्लो बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लाइमेट पर भी उसका असर हो सकते हैं। सो दिस वर सम इम्पैक्ट्स ऑफ द सॉइल इरोजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। कंट्रोल और वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल कंजर्वेशन या कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन बेसिकली पर्पज इज सेम, दोनों चीज़ एक ही है कि जिसमें हमने ख़ासतौर पर आपकी सॉइल इरोजन्स को लिमिट करना है और सॉइल को डेवलप्ड होने में ज़्यादा समय देना है और पैरामीटर्स को ऐसे बिल्ड करना है जिसमें सॉइल की डेवलपमेंट के लिए समय मिल जाए और उसकी इरोजन को रोका जाए, ठीक है, उसकी इरोजन को रोका जाए और इसकी डेवलपमेंट को समय मिल जाए। तो ऐसे हम जब सॉइल को मैनेजमेंट किया जाते हैं तो इसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहा जाते हैं। तो नॉर्मली सॉइल कंजर्वेशन आपके अलग तरीके डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह से अपनाते हैं और ये डिपेंड करेगा कि आपका टोपोग्राफी क्या है, सॉइल की क्या केमिस्ट्री है और कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वो सब पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से इसकी कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सॉइल कंजर्वेशन में कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखने होते हैं। सबसे पहला ये कि हमने क्या करना है कि वी हैव टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन स्प्लैश, है ना। क्या करना है हमने, सबसे पहले रेन स्प्लैश की इम्पैक्ट को कम करना है। रेन स्प्लैश यानी जो ड्रॉप पड़ेगा आपके ज़मीन पे तो वो ड्रॉप जो है वो इस तरह पड़ जाते हैं कि आपके सॉइल वहाँ से डिटेच हो जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स। तो हम इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करें कि इसका इम्पैक्ट कम हो, ठीक है। यानी इसी तरह से विंड की वेलोसिटी इम्पोर्टेंट है, विंड वेलोसिटी या वाटर की रनिंग वेलोसिटी, विंड हो या वाटर हो दोनों की जो वेलोसिटी है, जो रनिंग स्पीड है और फोर्स है, उसको हम कैसे कम किया जाए, वो चीज़ हमारे पास होना चाहिए। सेकंड थिंग कि वो जो सॉइल है, सॉइल की इरोडेबिलिटी को हम कैसे, यानी इरोडेबिलिटी को हम कैसे मिनिमाइज किया जाए, ठीक है ना। कि किस तरह से हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्लोप है तो जाहिर सी बात है उस पर अगर रेन पड़ेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल जो है इरोड करके ले आ सकते हैं। तो हमें ऐसे सोचना होगा कि आपकी जो स्लोपनेस है उसको हम कैसे रिड्यूस किया जाए, स्लोपनेस को कैसे काउंटर किया जाए। तो इस तरह से इरोडेबिलिटी को भी हम यानी ध्यान में देखने होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वी कैन हैव डिफरेंट मैथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। और ये सॉइल कंजर्वेशन को टू मेथड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक बायोलॉजिकल मेथड और एक हमारे पास होते हैं सेकंड मैकेनिकल मेथड्स, राइट।
बायोलॉजिकल मेथड्स को हम, यानी एक बेसिक प्रिंसिपल है कंजर्वेशन के अंदर, जो जिसको हम मैकेनिकल मेथड्स के सप्लीमेंट किया जाते हैं, उससे हम सपोर्ट किया जाते हैं, जिससे हमारी टारगेट जो है अचीव कर सके, राइट। तो बायोलॉजिकल मेथड में कुछ खास मेथड इस तरह से हैं, से फॉर एग्जांपल मल्चिंग, राइट। मल्चिंग एक कॉमन प्रैक्टिस भी है और एक इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव प्रैक्टिस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, खेत पे जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो कुछ खास क्रॉप्स स्पेसिफिकली हम ग्रो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मल्चिंग, लाइक द मेज, है ना, मेज, यू हैव द टोबैको, है ना, टोबैको, इस तरह के कुछ प्लांट्स, क्योंकि जो बेसल स्टैक्स है, जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर जाते हैं तो इसके बेसल स्टॉक्स को हम प्लांट्स, यानी इधर जमीन पे हम छोड़ते हैं, क्रॉप को थोड़ा ऊपर से काटा जाते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर एक खास कवर जमीन पे रह जाएगा, जो न सिर्फ सॉइल को रूट्स के जरिए बाइंड करके रखेंगे, बल्कि ये आपके लिए एक प्रोटेक्टिंग कवर बन जाएगा रेन के समय पे, रेन के इम्पैक्ट्स को कम करेगा। सेकंड, ये सॉइल को, यानी ऑर्गेनिक मैटर्स भी ऐड करेगा, ऑर्गेनिक मैटर्स भी ऐड करेगा, सॉइल को रूट्स के द्वारा बाइंड भी रखेगा, और ऊपर से जब रेन पड़ेंगे तो रेन के इम्पैक्ट्स को भी कम करते हैं। इवन समटाइम्स हम मल्चिंग के लिए, यानी कुछ पॉलीथीन का भी इस्तेमाल किया जाते हैं, जो इसके रूट्स के साइड पे हम ऐसे प्रोटेक्टिंग कवर। तो ये फ़ायदा क्या है कि इस पे रेन का इम्पैक्ट भी कम हुआ, ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें ऐड हुआ, दूसरा ये मॉइस्चर्स को जल्दी से भागने भी नहीं देते हैं, सन हीट की जो इम्पैक्ट है उसको भी कम करते हैं, तो ये मॉइस्चर को भी कंजर्व करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर्स को भी यहाँ रिटेन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट होते हैं। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होते हैं मल्चिंग। सेकंड हमारे पास होते हैं कॉन्टूर फार्मिंग। कॉन्टूर फार्मिंग ये आमतौर पर हिली एरियाज में, जहाँ जमीन जो है स्लोप होते हैं, इवन है प्लेन एरियाज में भी हम कर सकते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि ज़मीन को जब हम तैयार करते हैं उस समय, यानी रिजिस, यानी जहाँ ये डायरेक्शन में अगर स्लोप होगा तो हम ज़मीन को ऐसे प्रिपेयर करते हैं जिसमें रिजिस और फ्रोज तैयार किया जाते हैं, रिजिस एंड फ्रोज तैयार किया जाते हैं। रिजिस यानी जो इसको एलिवेट किया जाएगा ज़मीन को, और नीचे से थोड़ी सी फ्रोज यानी गहराई डाला जाएगा, यानी वाटर जो है इस तरह से मूव कर जाएंगे कि फ्रोज में वाटर ट्रेप हो जाएंगे, यहाँ से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो फ्रोज में वाटर जो है वो ट्रेप होगा, वाटर स्टोर होगा, और ये रिजिस पे इवन आप क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वाटर ये फ्लोज और रिजिस के एक ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं जिसमें रिजिस जो है वो एक ही लेवल में हमारे पास, यानी सेम लेवल में ये रिजिस पाया जाते हैं, तो फ्लोज में वाटर का स्टोरेज होने से वाटर की वेलोसिटी, जैसे हम देख रहे हैं जैसे रनिंग वाटर यहाँ से रनिंग करेंगे तो वाटर की वेलोसिटी जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, वाटर की वेलोसिटी ब्रेक होगा। सेकंड थिंग, वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा रिटेंशन के समय मिल जाएंगे, ठीक है, और जो कुछ मटेरियल रोड करके लिए आ रहा है वो इन्हीं फ्रोज में सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे एक बेस्ट प्रैक्टिस है कॉन्टूर फार्मिंग। कॉन्टूर फार्मिंग विद टेरेसिंग, टेरेस यानी जिसको हिंदी में हम सीढ़ीदार कहा जाते हैं, बहुत सारे हिली एरियाज में आप देख भी सकते हैं कि ज़मीन को, यानी अगर ऐसे स्लोप है, ज़मीन ऐसे स्लोप है तो हम ऐसे कट्स करके प्रिपेयर करते हैं, छोटे छोटे इस तरह के यानी स्टेप्स हम बनाते हैं, स्टेप्स, सीढ़ीदार का मतलब ही यही है कि ये स्टेप्स में हम ज़मीन को स्लोप के अगेंस्ट, 90 डिग्री अगेंस्ट जो है, इन ज़मीन को हम स्लोप्स में काटा जाते हैं, काट के हम छोटे छोटे इस तरह के स्टेप्स तैयार कर जाते हैं, और ये स्टेप्स के अंदर हम यानी कंटूर के बनाए जाते हैं, तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से सॉइल इरोजन को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास होते हैं थर्ड
you have the strip cropping. Strip cropping. स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि रोज में हम इन क्रॉप्स को लगाए जाते हैं. रोज में क्रॉप्स इस तरह से लगाए जाते हैं जिसमें से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये क्रॉप्स हमने रिमूव करने हैं, जो हमें ग्रो करनी है क्रॉप्स, वो क्रॉप्स अगर रिमूव करेंगे तो दूसरा क्रॉप जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. तो ये जब इसके एब्सेंस होंगे, क्रॉप के एब्सेंस होंगे, तो दूसरे क्रॉप्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और उस समय जब ये एब्सेंट होंगे उस समय वो सॉइल को बांधने में मदद करेगा. या वो फील्ड पे जहाँ पर हम क्या करते हैं कि साइड से हम ट्री क्रॉपिंग करते हैं, ट्री लाइंस लगाया जाते हैं. ट्री लाइंस इस तरह से लगाए जाते हैं कि जैसे अगर आपके पास सामने फील्ड है तो यहाँ से ट्री लाइंस बनाएंगे अगेंस्ट द वेलोसिटी ऑफ विंड, या विंड डायरेक्शन के अगेंस्ट 90 डिग्री पे ट्रीज को प्लांट करते हैं और सामने आपका फील्ड जो है तैयार कर जाते हैं. तो ट्री के जो लाइनिंग्स है वो विंड की वेलोसिटी को रोका जाते हैं, जिस विंड की वेलोसिटी का इंपैक्ट जो है सामने वाली फील्ड पे बहुत कम पड़ जाते हैं. तो इस तरह से या समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम कुछ खास ग्रासेस जैसे प्लांट्स के हम स्ट्रिप्स ग्रो करते हैं. जैसे अगर आपके फील्ड यहाँ पर है, ठीक है, फील्ड यहाँ पर है, तो हम साइड्स पे हम क्या करेंगे, हम कुछ खास ग्रासेस के स्ट्रिप्स ग्रो कराएंगे, कुछ खास ग्रासेस के स्ट्रिप्स ग्रो कराएंगे जो न सिर्फ वाटर की फ्लो को कम करेगा बल्कि सॉइल जो खासतौर पर जैसे हम कह रहे थे कुछ पार्टिकल जो है वो क्रीपिंग करके आगे चला जाते हैं, तो इस तरह के सॉइल्स को वो वहाँ पर पकड़ के रखेगा. ठीक है, इस तरह से भी हम स्ट्रिप क्रॉपिंग के द्वारा भी सॉइल को मैनेजमेंट कर सकते हैं. नॉर्मली हमारे पास जो ये मेथड्स है इनको हम एग्रोनॉमिक कहा जाते हैं. इन मेथड्स को हम एग्रोनॉमिक कहा जाते हैं, एग्रोनॉमिक मेथड्स कहा जाते हैं. इसके अंदर और एक तरीका होता है एग्रोस्टोलिक मेथड, एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जमीन को हम, यानी नॉर्मली आपके पास ऐसे कोई लैंड है जो ज़्यादा इरोडेड है, तो आप क्या करेंगे कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले हम ऐसे कुछ ग्रासेस ग्रो कराएंगे जो ज़्यादा वहाँ पर सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं. वो ग्रास जो है उनके रूट्स सॉइल को बाइंड करेगा, प्लस वहाँ पर सॉइल को बिल्ड करने में यानी समय भी मिल जाएगा और प्लांट जो है सॉइल को, ये ग्रासेस जो है सॉइल को बनाने में मदद भी करेगा. तो ये इवन अल्टरनेट भी हो सकते हैं कि अगर आप एक समय आप क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करेंगे तो दूसरी समय आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह के ग्रासेस ग्रो कर सकते हैं. तो इस तरह के प्रैक्टिसेस को हम एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स कहा जाते हैं. ठीक है, तो अभी हमारे पास समय ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम फर्दर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.